नमस्कार, आप देख रहे हैं मुसर्रत टाइम्स लाइव। एक नज़र इस विशेष रिपोर्ट पर। आम आदमी पार्टी की किरायेदार विंग ने अपनी कार्यकारिणी में किया विस्तार, किए कई पदाधिकारी नामित। आम आदमी पार्टी के केंद्रीय कार्यालय ITO नई दिल्ली में दिल्ली प्रदेश किरायेदार विंग की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता अजय गौड़ प्रभारी किरायेदार विंग ने की। इस बैठक में किरायेदार विंग दिल्ली प्रदेश के कई पदाधिकारी शामिल हुए, जिसमें दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष राजकुमार गुप्ता, अजीत सिंह, सरोज सहरावत, सपन कुमार मुख्य रूप से शामिल हुए। इस बैठक में किरायेदार विंग में विस्तार किया गया और कई जिलों व विधानसभाओं के पदाधिकारी नामित किए गए। नामित पदाधिकारियों में रईस अहमद अशरफी को उत्तर पूर्वी दिल्ली का लोकसभा अध्यक्ष, अरुण गोस्वामी को शाहदरा जिला अध्यक्ष, गांधीनगर विधानसभा से श्रवि खेड़ा जी को विधानसभा अध्यक्ष, कमल नयन को करावल नगर से जिला उपाध्यक्ष, फैसल पठान को चांदनी चौक का जिला अध्यक्ष, मटिया महल से फिरदौस मंसूरी आदि थे। इस मौके पर रईस अहमद अशरफी ने कहा कि मुझे पुनः उत्तर पूर्वी दिल्ली का लोकसभा अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके लिए मैं दिल की गहराइयों से श्री अरविंद केजरीवाल जी, श्री गोपाल राय जी, श्री अजय गौड़ जी, श्री राजकुमार गुप्ता जी, श्री अजीत सिंह जी, श्रीमती सरोज सहरावत जी, श्री सपन कुमार जी का धन्यवाद करता हूँ। इन्होंने जो जिम्मेदारी मुझे दी है व विश्वास किया है, उसे पूरा करने की हर संभव प्रयास करूंगा। अरुण गोस्वामी ने कहा कि मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता को पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी गई है, वह मैं पूरी ईमानदारी के साथ निभाऊंगा व पार्टी के कामों तक जनता के बीच ले जाऊंगा। इस मौके पर गांधीनगर विधानसभा के संगठन मंत्री कमल अरोड़ा ने कहा कि आज हमारे साथी व मेरे छोटे भाई अरुण गोस्वामी को किरायेदार विंग का शाहदरा जिलाध्यक्ष व गांधीनगर विधानसभा के किरायेदार विंग का अध्यक्ष भाई खेड़ा जी को बनाए जाने पर मैं इनके साथ अन्य पदाधिकारियों को भी बधाई व शुभकामनाएं देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि यह पार्टी को आगे ले जाने में अपना योगदान देंगे। किरायेदार विंग के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष राजकुमार गुप्ता ने इस मौके पर कहा, घोषणा की गई है, कुछ एरिया रह गए हैं, उसका भी उनका भी प्रोसेस चल रहा है। 5-6 दिन में जो रह गया उस एरिया पर घोषणा कर देंगे। आज हमने जिला अध्यक्ष लोकसभा उनकी टीम की घोषणा की है। तो क्या अगली क्या रणनीति रहेगी, जो पदाधिकारी नए बनाए हैं तो क्या संदेश देंगे? दिल्ली में आने वाले निगम इलेक्शन के लिए अपनी दिल्ली को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए हमने ये नई टीम बनाई है। हम आशा करते हैं नई टीम घर घर जाकर